बेटा अब अपन लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के इसमें जस्ट जो पहली क्वेरी मुझे आई है, सर अगर मुझे ये नहीं आता है वो नहीं आता है तो क्या? देखो अगर कोई बेसिक डिफरेंशिएशन जो हम लोगों ने किया था वो अगर आता है तो हेल्पफुल रहेगा, बेसिक इंटीग्रेशन अगर आता है तो हेल्पफुल रहेगा। वैसे आज के सेशन में बहुत क्रेजी डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है, इंटीग्रेशन तो ज़ीरो पड़ने वाली है और हमें डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा क्रेजी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है डेप्थ वाली इसकी। छोटा मोटा चेन रूल, छोटे मोटे जो ई की पावर एक्स या लॉग एक्स या एक्स स्क्वायर वगैरह के जब हमारे डिफरेंशिएशन थे या प्रोडक्ट रूल, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो पहले तो आप लोगों को पॉलीनोमियल का डेफिनेशन याद है क्या? बाई एनी चांस नहीं? दैट वॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपन ने 9th में देखा हुआ रहता है। देखो पॉलीनोमियल क्या होता था ना, कोई भी वेरिएबल अगर है तो उसको जो पावर जो रहेगी, दिस पावर हैज़ टू बी पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर, या रादर मैं बोलना चाहिए होल नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ देखा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy³ - 8, दिस इज अ पॉलीनोमियल, बट अब इसी में अपॉन एक्स अगर डाल दूं मैं तो ये पॉलीनोमियल नहीं बचता था। क्यों नहीं बचता था पॉलीनोमियल? बेसिकली दिस इज बिकमिंग व्हाट, एक्स की पावर -1, तो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। ठीक है ना, या मैं रूट एक्स लिख दूंगा तो ये भी नहीं है क्योंकि उसका एक्स या 1/2 हो रहा है। ठीक है, जल्दी बैठो। इसके से भाई अगर यहाँ पे आगे प्लस √2 लिख दूंगा तो मुझे फट से बताओ इज दिस अ पॉलीनोमियल और नॉट? ये एक पॉलीनोमियल है बेटा, मैंने वेरिएबल की पावर कहा है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए है। ठीक है ना, ये तो यार मेरा कांस्टेंट है, उससे कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे। ठीक है, ये मेरे पॉलीनोमियल का डेफिनेशन था। अब देखो अब हम लोग इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, बेसिक लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, ये आखिरी पार्ट है उसका। ठीक है, इसके सिवाय हम लोगों ने इनइक्वालिटीज भी पढ़ा हुआ था। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपका इक्वेशन बना हुआ है जिसमें डिफरेंशिएशन यूज है, तो मान लो कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है 5x dy/dx - 3 = 0, कुछ ऐसा रैंडम सा कुछ लिखा हुआ है मान लो, सॉरी बाय पार्ट रूल भी हुआ। हाँ यानी जो भी ऐसा जो भी, जब ये अगर हो गया है तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, अब देखो बेटा जैसे हमने पॉलीनोमियल में डिफाइन किया था ना, वैसे यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक रूल ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन वाला जो लिखा है हम लोगों ने, इसकी पावर अगर है तो दैट हैज़ टू बी ओनली अ होल नंबर। ठीक है ना, इट हैज़ टू बी व्हाट, इट हैज़ टू बी होल नंबर। अगर वो होल नंबर में नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कई बार ना होते हुए भी हम उसे उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बट अगर वहाँ पे हमको दिया गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है। सर ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा आपको दिखेगा अभी तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो इट इज़ फाइन अगर मैंने d2y/dx² किया हुआ है तो, ठीक है ना, यानी सेकेंड डेरीवेटिव अगर मैं निकाल रहा हूँ विच इज़ फाइन, मैं थर्ड डेरीवेटिव निकाल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th डेरीवेटिव निकाल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चल जाएगा आपको। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है आपने कुछ भी अगर डेरिवेटिव निकाला है तो उसकी जो पावर अगर यूज़ करो, जैसे स्क्वायर है क्यूब है ये चल जाएगी, 1 है चल जाएगी, ये जो पावर है दिस हैज़ टू बी व्हाट, अ होल नंबर। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चा लोग ये एक बेसिक डेफिनेशन है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का, फाइन। अब प्लीज़ हम लोग ना एक बहुत ही फुद्दू सी एक्सरसाइज अभी करने वाले हैं, ऑर्डर्स एंड डिग्रीज पढ़ने वाले हैं, फाइन। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है हमारे, एक एक संख्या, एक सेकंड, थोड़ी क्या, हमारा जो भी इक्वेशन है मान लो कुछ ऐसा है 5dy/dx + 3d2y/dx² - 8dy/dx³ ऐसा कुछ है = 5 कुछ रैंडम। इसमें देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, एक ही डिफरेंशिएट हुआ ना, ये कितवा ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, ये कितवा ऑर्डर हुआ है, ये थर्ड नहीं है, ये फर्स्ट ही ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, वो क्यूब व्यूब छोड़ो, तो अब ये इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया डेरिवेटिव का, नहीं 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर ये थर्ड में जाता मेरा तो इसका 3 हो जाता,
ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मेरा, टू, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा, ठीक है। तो हमने ऑर्डर देख लिया है, अब जो आप लोगों का ऑर्डर डिफाइन करके दे रहा है, जैसे ये आपका ऑर्डर डिफाइन करके दे रहा है ना, तो इसकी डिग्री जितनी रहेगी, रेस टू पावर जो रहेगा, वो इसका क्या बन जाएगा, वो आप लोगों की डिग्री बन जाएगी, ठीक है। देखो अपन ऑर्डर और डिग्री निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे के नहीं देखना, बच्चा देख इसकी होगी डिग्री घर पे तीन, बट ना हाईएस्ट ऑर्डर कौन डिफाइन करके दे रहा है, ये वाला, इसकी पावर कितनी है वन, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, हैड दिस बीन होल स्क्वेयर, तो ऑर्डर भी टू डिग्री भी टू, क्यूब ऑर्डर टू डिग्री थ्री, ये रहती थी, याद है, समझा आप लोगों को। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री। देखो अब कई बार ना आपका ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा, डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी, सब मतलब क्या दिखाता हूँ, रुक जाओ यहाँ तक अभी ठीक है, हाँ अब यहाँ पे आ जाइए, अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले का। मुझे इसकी ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए, सॉरी इसकी नहीं, इसकी है डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, बच्चा नहीं कहा, इट डजेंट मैटर आपका ये वगैरह रूट हो, पॉलीनोमियल नहीं, दिस कैन नॉट बी इन रूट, ठीक है ना, मैं ये बताना भूल गया आप लोगों को, आप लोगों का अब जो पावर जो है शुड बी इंटीजर या होल नंबर, सॉरी इट शुड बी होल नंबर, इट शुड ओनली बी फॉर डिफरेंशियल इसका, ठीक है ना, नॉट फॉर वेरिएबल्स, इट डजेंट मैटर, फाइन, यस। मुझे इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री वन ही होगी। अब यहां देखा जाए अगर क्या बच्चा नहीं, अब देखो तुमको देख के क्या लग रहा है, सर ये देखो ये तो स्क्वायर रूट वेयर रूट में कहीं अटका हुआ है कुछ तो भी नहीं, ये दिखने में नहीं लग रहा है, बट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैसे, कुछ नहीं, मैं पहले इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू टू टाइम्स अंडर रूट वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर किया इसको, मान लो जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। देखो अभी डिग्री बाद में देखता हूँ मैं, मुझे ऑर्डर बता दो क्या है, ऑर्डर वन ही है इसका। अब अगर मुझे डिग्री डिफाइन करना है तो देखो वैसे ही यस, आप देखते थे बोलोगे सर टू दिख रही है ना, बट सी नहीं नहीं वो नहीं, बट सी हाँ ऐसा हो सकता है कि कहीं खोलने के बाद में वो एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट ना जाए, जैसे कि आपको जस्ट मैं बताता हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, मैं पूछूँ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और बच्चे बोल देंगे सर हाँ स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो ये खोलते थे अपन लोग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये कटता तो ये लीनियर बन जाता था, तो वैसे आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, अगर आप स्मार्ट हो, नहीं हो अच्छा मतलब नहीं हो, हाँ ठीक है हाँ वही, हाँ अगर आप इसको ओरली सोचो तो वो कुछ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होने वाला है, और वो कुछ फोर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रहने वाला है, कटने तो वाला है नहीं, किस्सा खत्म, तो डिग्री कितनी हो गई हमारी माँ की, टू। ये बेसिक ऑर्डर और डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, जिसकी हायर रहेगी वो, ठीक है ना। अब चलिए नॉट रियली, अभी फाइव इज अ पॉलीनोमियल इक्वेशन, फाइव इज अ कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, इट्स नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ अगर तो बोलेगा जीरो डी वाई बाई डी एक्स डाल दूंगा उसमें मैं, तो विल नॉट, हाँ यस 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 यस, ठीक है। चलिए ये आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो प्लीज, ये हो जाएगा आप लोग से, ओरली कर लो, तुमको लिखना है लिख लो, ठीक है, ध्रुव को नहीं लिखना है ऑब्वियसली, हाँ बच्चे लोग आप लोग एक बार देख लो इस चीज़ को, ऑर्डर डिग्री जो अपने मन में, हाँ ठीक है, केवल रमानी पहले का उल्टा क्या बोला था तू, सेकेंड ऑर्डर है और डिग्री बेटा डिग्री वन रहेगी। अब डिग्री की देखने के लिए इसके पास मत जाना, जिससे ऑर्डर निकल रहा है उसी से डिग्री निकलेगी, करेक्ट, आहा क्या बोला है। चलो गिरिपुंजे बोलो बच्चा, ऑर्डर टू करेक्ट, गुड एनफ है यहाँ तक के लाइफ। अब ये देखो
ये इसका बताओ मुझे ध्रुव, ट्राई करो बेटा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर इज थ्री, डिग्री इज वन। अब ये पता है ना आपको इसका मतलब क्या होता है, वाई ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है ना, थ्री डी वाई ओवर डी एक्स है भैया, ठीक है ना। अब देखो योर डी वाई ओवर डी एक्स एंड ऑल दी स्टफ्स वर सपोज टू बी ऑन द बेस। ये देखो अगर आपको कभी डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे लॉग डी वाई ओवर डी एक्स दिया हुआ है या फिर साइन डी वाई ओवर डी एक्स टाइप दिया हुआ है तो बेटा इसके अंदर ना आप लोगों की डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ये ध्यान रख लो। क्यों नहीं होती आप उससे स्ट्रेस मत लो। तो कोई ई की पावर डी वाई ओवर डी एक्स या फाइव की पावर डी वाई ओवर डी एक्स ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसे इसमें आप लोगों की डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती है। वो रहते हैं उसे तो स्ट्रेस मत दे, तो आएगा नहीं उसका। हाँ है इक्वेशन लिखना पॉसिबल है, सोल्यूशन तेरे को निकालना पॉसिबल है क्या मुझे नहीं पता, अपने से और बेटर जो मैथमेटिशियन है उनको निकालना भी पॉसिबल है या नहीं वो अपने को नहीं पता भी, ठीक है। परफेक्ट। इसकी ऑर्डर कितनी हो रही है इसकी, थ्री, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब ये वाला देखो फट से, ऑर्डर क्या है इसकी, डिग्री कितनी है, गलत बेटा ये सही फॉर्मेट में नहीं है ना। देखो ये डेरिवेटिव का पावर कुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, इट हैज टू बी होल नंबर। तो पहले से हम लोग सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे बच्चा। इसको सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करूंगा मैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूं सिंपली मैं। डिग्री सॉरी सॉरी क्या, हाँ डिग्री ही तो होनी चाहिए, ठीक है। तेरा वन एंड हाफ डेरिवेटिव तो तू वैसे ही नहीं निकाल सकता बेटा, सा ये तो ऐसे ही नहीं कर सकता अच्छा, ठीक है। ये देखो अभी इसके लिए अपन ने क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, तो वन माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर जो था उसका क्यूब इज इक्वल टू ए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक है ठीक है लाइफ अपनी। तो अब बताओ मुझे ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, वन। समझ मारी है चीज़ें, डी वाई देख देर इज अ डिफरेंस बिटवीन देख देर समथिंग कॉल्ड डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इट्स नॉट द सेम थिंग। मान ले मेरा फंक्शन y जो है x क्यूब है, तो मेरा डी वाई ओवर डी एक्स इतना हो गया बेटा थ्री एक्स स्क्वायर, तो वो थ्री एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब नाइन एक्स की पावर फोर हो रहा है ये। और इसका फर्दर डेरिवेटिव अगर मैं निकाल रहा हूँ सिक्स एक्स, तो दिस इज इक्वल टू सिक्स एक्स। इसका मतलब होता है y का सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब होता है पहला डिफ्रेंसिएशन जो आया उसका स्क्वायर। गिरी पूंजे समझ में आ रहा है बच्चा, ये वाला क्वेश्चन का थर्ड वाले इसका सब पार्ट। एक और उसको देखना देख लो, आई विल गेट बैक, मैंने सुना नहीं रहा। क्यूब को वन बाई थ्री था तो मैं क्यूबिंग बोथ साइड किया, तो वन बाई थ्री वो हट गया फिर हो गया, मैंने लेफ्ट साइड का इसीलिए ओपन नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। हाँ सही, तू क्या होता पहली एक्सरसाइज में चैप्टर में और चीज़ें निकालनी बेटा लाइफ में। ठीक है अब चलो, ये तो महाफुद्दू सी चीज़ है, कुछ नहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑर्डर प्लस डिग्री बता दो कितना होने वाला है। पहले बताओ पहले वाले का ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, तो ऑर्डर प्लस डिग्री कितना हो रहा है, थ्री, ठीक है। ये क्यों आता है ना क्वेश्चन बताता हूँ हम लोगों को, क्या हो जाता है कई बार बच्चे ऑप्शंस देख के सॉल्व होने का सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑप्शन तो सॉल्व कर लूँगा, जिनको ऑर्डर डिग्री नहीं समझ में आ रहा है तो वो ऑप्शंस के थ्रू कर लेते हैं। बट अगर मुझे अगर डायरेक्टली ऑर्डर प्लस डिग्री ऑप्शंस में दी गई है थ्री फोर टू वन जैसा कुछ तो गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, तो इसलिए होता है क्योंकि एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है ऑर्डर, डिग्री कितनी है, टू प्लस टू, सिंपल चीज़ है, कुछ भी लिखना है क्या अभी का इसमें से तुम लोगों को। देखो मैं ना से दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर लेना इसकी, क्लास ख़त्म नहीं हुई है, हाँ ठीक है ना। एक दो ऐसे ही देख लेकर जो तो थोड़े से वियर्ड दिख रहे हैं मेरे को, हाँ मैं भी वो एट वाला मेरे को भी एकदम से देख के थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा था। पहले देख इसमें कुछ नहीं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे अपन लोग, ठीक है। बट देखो बच्चा लोग तुम तो स्क्वेयरिंग, चलो इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, सॉरी जा रहे हाँ, इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर।
ऑर्डर क्या है? वन। डिग्री कितनी है? यही गलती होती है बेटा, कट जाएगा। देखो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स को अभी के लिए वाई डैश लिख दूँ क्या? आलस आ रहा है लिखने का। वाई डैश का स्क्वायर है वो, या वाई डैश की जगह, हाँ वाई डैश लिखते हैं अभी। हाँ इजी इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। देखिए और ये कट गया बच्चा, ठीक है माइनस माई बाय सिक्स एक्स। ठीक है तो देखो तुम लोगों का एक ही डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, और उसकी यानी ऑर्डर वन है तुम्हारा, डिग्री भी तुम्हारी वन हो रही है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब मैंने उसका सेकेंड सब पार्ट अगर देखा एक बार, नहीं कटेगा नहीं, बट अपने पहले सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। चलो तो पहले फोर्थ पावर दोनों जगह पर लेना पड़ेगा मुझे, फाइव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर फोर जो वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। हाईएस्ट अभी क्या कहते हैं, ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी होने वाली है, समझा जी क्या हुई है? नहीं हाँ हाँ, एक बचा था तेरा डी वाई बाई डी एक्स, इसका जब होल स्क्वायर करेगा ना थ्री एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस टू ए बी जो रहेगा, तो उसका एक ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था ना बच्चा इसके लिए। हाँ सॉरी, हाँ डिग्री लॉग में नहीं, लॉग डी वाई बाई डी एक्स टाइप हो जाए, तुमको साइन कॉस एंड कॉट्स कोसेक है नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट उसमें भी रहे तो, या ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स टाइप कुछ हो जाए, यहाँ तक के ठीक है। हाँ यहाँ तक के ठीक है भाई लोग, ये वाली एक्सरसाइज सॉर्ट ऑफ ओरली तुम लोग कर सकते हो। आई होप तुमको ये नहीं लग रहा भाग रहे हैं। अब देखो, अब हम लोग सेकेंड सब पार्ट पाते हैं। यहाँ से आई वुड से मेहनत, बट चैप्टर जैसा तो फील आएगा अपने को, हाँ यानी मेरे को चैप्टर जैसा फील आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल आपने को ऐसा दे दिया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे बोला है इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो ये कैसे करते हैं अपन आगे देखेंगे, बट डोंट यू थिंक इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट जैसा कुछ रहेगा, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करूँगा वाई जैसा कुछ बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस कुछ कॉन्स्टेंट बनेगा सी, ठीक है कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जैसा बोलते हैं, ठीक है ना, आर्बिट्री कुछ भी है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी, जो भी है ये हो जाएगा। तो देखो जब तुमने ये ऐसा सोल्यूशन निकाला है ना, तो इसे आर्बिट्री सोल्यूशन बोलते हैं। बट अगर मैंने कुछ आपको कंडीशन दे दिया कि जब जब मेरा x 1 था तो y की वैल्यू 5 हो रही थी, तो मैं यहाँ पर डालूंगा अगर, तो 5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस सी, 5 इक्वल टू 1 प्लस सी इम्प्लाई सी की वैल्यू 4, और फिर ये 4 लिख दूंगा तो ये मेरा करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो आप लोगों को कई बार आर्बिट्री आंसर्स भी निकालने पड़ सकते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एक से पर्टिकुलर बोलते हैं, हाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने पड़ सकते हैं। हाँ नहीं अभी तक के तो जो भी है सब कुछ है, अभी तक के जो भी मैं कराऊंगा वो मुझे बता देना बाद में आयुषी, ठीक है, नहीं तो पूछ कर बता देना बेटा, तू पूछेगी तेरे को समझेगा, वो पूछेगा टीचर भगा देगी क्लास के बाद उसको, हाँ तू मत पूछना बेटा, ठीक है। चलो ध्यान दो, तुम्हारे को सेकेंड एक्सरसाइज तो रहेगी, हाँ वो दिखते हैं, हो सकता है अपन देखेंगे। आज तो अपन जो कर रहे हैं सिंपल सी चीज़ है, इसलिए बहुत स्ट्रेस मत लो। अब देखो आप लोगों को मैं जस्ट एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोगों की कहते हैं ऑर्डर टू है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप लोगों के जनरल सोल्यूशन में दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आएंगे। पहले वाले को अपन ए ले लेते हैं, अगर दो आ रहे हैं तो दूसरे वाले को बी लेते हैं, तीन आए तो सी ले लेते हैं। तो अगर ऑर्डर मेरा टू है तो कितने मेरे आर्बिट्री सोल्यूशन आएंगे, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आएंगे दो। ऑर्डर थ्री है तो, ऑर्डर टेन है तो टेन, बट अगर यही ऑर्डर ट्वेल्व है और मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन मांग रहा हूँ तो वो एक ही आने वाला है, उसमें एक ही सोल्यूशन रहेगा एग्जैक्ट, उसमें एक भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं रहने वाला आप लोगों का, ठीक है ना। ये देखो तुमको एक क्वेश्चन ही डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ पागल जैसा, ये अगेन एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, बताओ कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहेंगे जनरल सोल्यूशन में अगर ऑर्डर फोर है तो।
बताओ कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन में, अगर ऑर्डर थ्री भी है तो कुछ भी रहे ऑर्डर, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो ही सकता है। जैसे तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के समय तुम्हारा प्लस सी हट गया था ना मान लो, वैसे यहाँ पे तुम्हारा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में रहेगा ही नहीं, वो तुमको मेच्योरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, उसकी अभी के लिए रट लो, जितना ऑर्डर है उतने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स रहेंगे किसमें, जनरल में, बट एक भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा पर्टिकुलर सोल्यूशन में। ठीक है, बोल बच्चा क्या होता हूँ, हाँ वो रुक जा, आएगा आएगा उसकी मेच्योरिटी अपने को थोड़ा टाइम बाद आ जाएगी, आज नहीं आएगी, बट बोलो नॉट नथिंग ऐसी जस्ट फॉर फन, उसकी वैल्यूज है ना ए बी सी कई सारे अलग अलग रह जाते अपने इसलिए। ठीक है, अभी यार देख अपनी इंग्लिश वैसे ही खराब थी, अपन ने एट के बाद इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया था जब से इंग्लिश शुरू हुई थी, अपने मार्क्स बहुत बर्बाद आए थे इंग्लिश के बारे में, तो ऐसा ना बिल्कुल दिल पे चोट मत पहुँचा। 12th तो याद ही नहीं भाई इंग्लिश का पेपर क्या था, 10th में 82 मिले थे। चलो अब ये देखो, ये यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं हमको क्या शो करना है, शो दैट दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है ना, वैसे वाई वन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव बोल रहे, जिसको हम लोग वाई डैश भी बोलते हैं ना, फाइन। अब प्लीज़ 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 थोड़ा सा ध्यान दो हम लोगों को, एक संख्या एक बार के लिए क्वेश्चन तुम लोग मन में पढ़ो क्या दिया हुआ है। यस नहीं बच्चा, रादर मैं तो को नहीं लगता है इसी को डिफ्रेंशिएट करूंगा, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगा, इंटीग्रेट नहीं अभी डिफ्रेंशिएट ही करेंगे अपन आज, स्ट्रेस मतलब उसका इंटीग्रेशन का। देखो अभी मेरे को वाई की वैल्यू ये दी हुई है, मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, वैसे तो मैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, बट क्या बात है अभी यहाँ पर वाई डैश या वाई वन जैसा लिखा हुआ है इसलिए मैं उस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, फाइन। तो वाई वन इज इक्वल टू, ये तो ए कॉन्स्टेंट था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन ओवर x प्लस ए हो रहा है, करेक्ट। y1 वन इज इक्वल टू ए टाइम्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन ओवर x प्लस ए का होल स्क्वायर, पता है ना ये चीज, वन ओवर x का माइनस वन ओवर x स्क्वायर होता था डिफरेंस, हाँ e, हाँ वन ओवर t जैसा, माइनस वन ओवर t स्क्वायर, फिर t का इंटू टी का डेरिवेटिव, यहाँ पे इंटू x प्लस ए का डेरिवेटिव वन ही हो रहा था, तो बेसिकली y डैश या y1 वन इज इक्वल टू माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया है, एक डेरिवेटिव किया है, तो मेरा एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को उड़ा सकता हूँ अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ तो। अब मैंने उसको ढूंढना शुरू किया, कैन आई राइट दिस वन एज समथिंग, वेट का एक संग इसका माइनस ए जो माइनस तो चुका माइनस बाहर, इसको ए ओवर एक्स प्लस ए इंटू वन ओवर एक्स प्लस ए जैसा लिख सकता हूँ क्या मैं, तो इससे वैसे मेरा क्या बन जा रहा है ये नहीं माइनस नहीं ये वाई जितना बन जा रहा है अभी के लिए मेरा, तो अपने को उस डिरेक्शन में सोचना पड़ेगा अभी, फाइन। अब देखो मेरा वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू वन ओवर एक्स प्लस ए बन रहा है, बट अब ये एक्स प्लस ए के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ क्या वापस से, मेरा ए तो अटक ही रहा है, तो चलो दूसरा जैसा इसने किया है क्या 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 वापस से ए तो आई जगह जरा तेरा ए तो अटक ही रहा है, तो देखो अभी अब देखो तुम्हारा ये अटक ही रहा था तो अपने तुमने दूसरे तरीके से देखना शुरू किया इसको, एक संख्या फॉर एग्जांपल अब मैं इसको यहाँ ले गया डिफ्रेंशिएट करने के लिए, देखो क्यों कर रहा हूँ मैं वो चीज़ें, वाई इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू अगर ए है, ठीक है, अब मैंने आपको खोलना है खोल लो, या फिर इसको ऐसे ही रहने देना है, खोलना है इसको या फिर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, चलो डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, पहला वाला इंटू डिफ्रेंशिएशन और दूसरा वाला, एक्स प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा ए एक्स वाले, प्लस एक्स प्लस ए इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा डा डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये हो गया इज इक्वल्स टू जीरो हो रहा है मेरा ये, यहाँ तक है ठीक है अभी तक का, हाँ। अब देखिए बेसिकली अब मेरा क्या हो गया है, वाई प्लस एक्स प्लस ए टाइम्स वाई वन की वैल्यू जीरो हो गई है मेरी, हाँ। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, थोड़ी मेहनत करके बेटा देख, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई नहीं क्या, हाँ एक्स प्लस ए इक्वल टू माइनस वाई ओवर वाई वन, फिर वो उधर जाएगा तो ए इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर वाई वन माइनस ए हो जाएगा, अच्छा माइनस एक्स हो जाएगा, अच्छा तेरा
यहाँ तक कोई इशू है? अब देख, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे ये लाना था ना, एक मिनट रुको, क्या बेटा इंटीग्रेट नहीं करना है बच्चा अपने को, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है ना, जरूरत ही नहीं अपने को, अपन डिफरेंशिएट करके ला सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तू करके देख एक बार ट्राई, तो ए लाएगा कहाँ से फिर उसका, वैसा कौन सा वो, चल ठीक है वो आएगा, हाँ चल ठीक है, पर तेरे को इसको इंटीग्रेट करना नहीं जमेगा बच्चा, थोड़ी भरोसा रखना मुझे भी, चलो एक बार हो जाओ, अपन क्या करते हैं ना, अपने को ये यहाँ पे ए की जरूरत नहीं है, देखो अब अपन लोग वापस एक बार कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान देना चिंगी, ध्यान दे बच्चा प्लीज़, अपन लोगों ने पहले इसको यहाँ लेके गए, y इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, इसको अब डिफ्रेंशिएट किया था हम लोगों ने, तो y इंटू वन प्लस एक्स प्लस ए इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो मेरा x प्लस ए वॉज माइनस y ओवर y डैश, तो माई a वॉज बेसिकली माइनस y ओवर y डैश माइनस x, अब ये a की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे अगर डाल दी, ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है मेरे इसमें, तो y इज इक्वल्स टू माइनस y, यहाँ पे LCM ले लूँ क्या, हाँ ये जगह x y1 ओवर होल y1, ठीक है ना, अब देखो ये वाली वैल्यू बच्चा लोग मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जो मुझे पहले से पता था, तो y इज इक्वल टू a ओवर x प्लस a की जगह मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस a अब मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा तो ऊपर से माइनस वाई कॉमन निकल हाँ वो वाई वाई तो पहले यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ही कटेगा ना तो देखो माइनस वाई माइनस एक्स वाई वन ओवर वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस एक्स वाई वन ओवर वाई तब ये वाई वाई कट जाएगा मेरा माइनस वाई माइनस एक्स वाई वन ओवर एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स वाई वन ये आया है क्या अपना फॉर्मेट का नहीं तो दैट इज इक्वल टू क्या बच्चा सर वो वाई वन है डिनोमिनेटर में अपने डिवाइड में कॉपी होंगे एक समझ जाओ एक काम करो जाओ जाओ अपन लोग थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं इसको एक समझ जाओ क्या अपना जो x प्लस ए विदाउट वो वाला आया ना उसको वैसे ही रहने दो एक समझ जाओ क्या हाँ एक समझ जाओ हाँ वो x प्लस ए को डायरेक्टली डाल रहा हूँ मैं हाँ तो अपने को सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा उसको ये देखो अभी ये अपना x प्लस ए की वैल्यू ये पता है और ए की वैल्यू ये पता है मुझे फाइन तो मैंने यहाँ पे दोनों को सब्सटीट्यूट किया तो y इज इक्वल टू a मतलब माइनस y ओवर y1 माइनस x डिवाइड बाय x प्लस ए की वैल्यू है माइनस y ओवर y1 ठीक है ऊपर मैंने एलसीएम लिया माइनस y माइनस x y1 ओवर y1 डिवाइडेड बाय माइनस y ओवर y1 रहेगा ये y1 y1 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस y माइनस x y1 ओवर माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई वगैरह यानी माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले काटा प्लस एक्स वाई वन ओवर वाई था वाई स्क्वायर यही मांगा है क्या उसने हाँ ठीक है ये पहला थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने आपको बेवजह घुमा दिया था एक बार के लिए आप ये ट्राई करो खुद से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को कंपेरेटिवली सिंपलर लगेगा ट्राई करो प्लीज़ बच्चा इसको देख स्टार्टिंग से देखे बेटा दैट इज हाउ इट इज सॉल्व बेटा मैं तेरे को और अच्छे से कुछ समझा देता तेरे को ये बताना था कि अगर ये इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशंस निकालने आते नहीं है अभी तुझे अभी सोल्यूशंस निकालने आते नहीं है सोल्यूशन निकालना तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से सीखेगा ठीक है हाँ एक सेकंड देख बच्चा तेरे को यहाँ पे वाई वन है ठीक है तेरे को ये इसका सोल्यूशन है तेरे को दिखाना है तो तेरे को y1 की वैल्यू वैसे भी निकालनी थी यहाँ से यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने तो डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा तो वही कर रहा है तू मान लो अभी के लिए देख एक बार चिंगी तेरा y इज इक्वल टू x ओवर x प्लस a था मैं उसे वहाँ पे लेके गया अगर खुद के ईज के लिए अब डिफ्रेंशिएट किया मैंने a है सॉरी माय बैड ठीक है तो
तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस ये एक्स प्लस ए इंटू उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये हो रहा था मेरा, यहाँ से मैंने ए निकालने की कोशिश किया था, तो माइनस वाई ओवर वाई वन माइनस एक्स हो रहा था, ठीक है यहाँ तक के अभी का। देखो यहाँ पे एलसीएम लेने की इच्छा है क्या, ठीक है, और इसके से भाई यहाँ से एक्स प्लस ए की वैल्यू आ रही थी मेरी माइनस वाई ओवर वाई वन के बराबर, ठीक है। एक देखो इसकी जरूरत पड़ने वाली है, दूसरा ए की वैल्यू है माइनस वाई माइनस एक्स वाई वन ओवर वाई वन, ठीक है। तूने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट की तो ये देख वाई इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या लिखी तूने माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ क्या, माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स वाई वन ओवर वाई वन डिवाइडेड बाय तेरा क्या था एक्स प्लस ए था माइनस वाई ओवर वाई वन, ये वाई वन कट जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, तेरा वाई इज इक्व टू वाई प्लस एक्स वाई वन ओवर वाई हो रहा था, ये वाई वहाँ पे गया तो वाई स्क्वायर इज इक्व टू वाई प्लस एक्स वाई वन हो गया, शो समझाई चीज़। एक बार के लिए सिर्फ ये वाला सब पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए, जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ आप लोग रिज्वाइन कीजिए प्लीज़। अच्छी बात है बेटा, ऐसा होना चाहिए लाइफ में। एक समझो, तेरे को पहला स्टेप समझा क्या, ये यहाँ पे लेके जा, रुक जा एक समझो, फिर लोगों को ज्वाइन करने दे फिर बता दो बेटा, वो आगे सीखेगा, एक बार तू थोड़ा पेशेंस रखना। देखो ये उसका सोल्यूशन है दिखाना है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद वाई इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस ए ना, उसको अगर तो इंटीग्रेट कर देगा नहीं बच्चा। चलो एक बार आप देखो, एक बार उसको दिखा रहा हूँ मेरे भाई जिनको देखना है वापस से, सुन मेरे भाई, मैंने पहले इसको इसके पास लेके गया, तो y इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए हुआ, यहाँ तक तो कोई इशू है, ठीक है। मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y इंटू इसका डेरिवेटिव वन प्लस एक्स प्लस ए इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या वाई वन या वाई जो भी लिखते हैं, ठीक है, तो वाई वन तूने बोला, ए का डेरिवेटिव कितना होगा जीरो, तब देख तो वाई प्लस एक्स प्लस ए टाइम्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो आया, तो मेरा एक्स प्लस ए टाइम्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाता था मेरा, फिर माइनस वाई वन जो है मैंने यहाँ भेज दिया ये, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, तो माइनस वाई ओवर वाई वन माइनस एक्स हुआ, मैंने एलसीएम अगर लिया होता यहाँ पे तो मेरा a इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स वाई वन ओवर वाई वन होता था। अब मेरे को अगर चाहिए है तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ, तो y प्लस एक्स वाई वन ओवर वाई वन हो जाएगा, ये यहाँ तक है, ठीक है। अब देख तेरे को a हटाना था क्योंकि तेरा यहाँ पे a था ही नहीं, तो अब तूने यहाँ के a हटाने के लिए a की वैल्यू ढूंढा, तो तू a की वैल्यू निकाल चुका है बच्चा, तेरे a की वैल्यू ये आ रही थी, तू चाहता तो वो a की वैल्यू यहाँ पे भी डाल सकता था, बड़ा थोड़ी सी मेहनत का काम हो रहा है उस जगह, फॉर्चुनेटली तुझे यहाँ पे x प्लस ए की वैल्यू भी मिली हुई है, तो तूने वो a की वैल्यू और x प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें डाल दिया, तो y इज इक्वल टू अपने a की वैल्यू कितनी है माइनस y प्लस एक्स वाई वन ओवर वाई वन दैट डिवाइडेड बाय x प्लस ए है अपना, हाँ वो बस a की वैल्यू थी, नहीं मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ए के लिए, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस ए भी है, अपने एक्स प्लस ए की वैल्यू देख माइनस वाई ओवर वाई वन है, हाँ बट फिर वो तू यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील,
व्हेन यू ऑलरेडी नो x प्लस ए की वैल्यू तो वाई नॉट पुट इट, ठीक है, तो डिवाइड बाय आई सपोज माइनस y ओवर y1, डिवीजन साइन अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, नहीं एक बार देख लिया, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे को बोला करना ये, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, माइनस साइन कट जाएगा, अब ये y को अगर वहाँ पे दूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई वन हो जाएगा। क्या मुझे वही प्रूफ करना था, समझा ये चीज़? हाँ मेरे भाई, लेके आ मेरे पास एक बार, लेके आ, लेके आ बच्चा मेरे पास एक बार। हाँ बेटा, सॉरी, यस, हाँ ये करने बच्चा, ये माइनस था यहाँ पे, ये जो तेरे को पेन वहाँ पे लिखाया था ना, वो दिखाएं तेरे को, फिर तो ए अगर वहाँ पे कैपिटल, तो अपना कैपिटल यूज़ करो, अच्छा, और ये डी वाई बाई डी एक्स मत लिखो, वाई डैश लिखते हो कन्फ्यूजन होगा बेवजह का, ठीक है, एक समझ जा, प्लस ये माइनस था ये, ठीक है, ये तेरा ए आ गया है, ये एक्स प्लस ए की वैल्यू आ चुकी है तेरी, अब ये यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दे ये, अपॉन एक्स प्लस ए की वैल्यू डाल दे ये, डाल उतना, सॉरी सर, लेकिन अगर मैं माइनस काटता नहीं तो ये वैसे भी प्लस हो जाता ना, वाई स्क्वायर है तो, नहीं ना बच्चा, ये वाई यहाँ पे जाने का ना, वाई स्क्वायर हुआ है, वाई इंटू वाई, अगर तेरा स्क्वायर ही हुआ तो ये होल स्क्वायर हुआ रहता मेरा, और यहाँ पे भी कुछ, तो भी एक वाई वन वगैरह कुछ तो भी है क्या, नहीं वाई इतना, हाँ फाइन, ए इधर इधर वाई वन है, वाई वन है वो, एक्स वाई वन है, ये देखना, ओए ओए छोटू, अरे मेरे भाई, ये एक्स वाई वन था, ये एक्स वाई वन रहेगा, मतलब नहीं, एग्जाम्पल वन हो गया है क्या, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो प्लीज कर लीजिए, इट विल बी ग्रेट, बेटा कहते हैं 555, नहीं 455, माय बैड, हाँ, तू कौन से एलसीएम की बात कर रही है बेटा, ए वाले इसकी, इज योर ए का वैल्यू ये अभी विदाउट, या फिर ये इधर वन, ठीक है ये हो गया, तो को ए की वैल्यू पता है, तो को एक्स प्लस ए की वैल्यू पता है, तो ये यहाँ पर डाल सकती है अभी, दिस वॉज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू, ये ए की जगह डाल दे वैल्यू जो पता है, एक्स प्लस ए की जगह वैल्यू डाल दे तो आंसर आ जाएगा, तो ऊपर से माइनस कॉमन निकाल, तो वो कॉमन निकल के वो माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे का जो वाई वहाँ यहाँ पे था डिनोमिनेटर में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देगा, तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा, तेरा बेटा ये चाहता ना, वाई इज इक्वल्स टू ये चल रहा ना तेरा, यहाँ पर एक स्क्रीन पे, तो उसने लेफ्ट हैंड साइड लिया ही नहीं कुछ भी तूने, तू सिर्फ आधे चर्च जैसा नहीं कर रहा, यस गाइस, एक बार एग्जाम्पल नंबर टू देख ले, और सुमेर तू देखना है यार, तू क्या करता है ना, तू तब कुछ तो रैंडम हरकत करते रहता है, फिर मैं जब वो करता हूँ फिर तू वही वापस से मेरे से करवाता है, तो ध्यान दो एक बार के लिए, सब लोग आयुषी ध्यान दे बच्चा, तुमको ये इज अ सोल्यूशन ऑफ ये कुछ दिखाना है, फाइन, पहले एक बार डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है, तो मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया उस चीज़ को, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, टू एक्स जो टू इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन देख लो बेटा, वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा, वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक कोई इशू है किसी को, वैसे देखो मेरा टू और टू कट रहा था, एक ये वाई कट रहा था मेरा, ठीक है, अब देखो मेरे को सब कुछ एक ही जगह पे चाहिए, देखो समथिंग इज इक्वल टू जीरो टाइप चल रहा है मेरा, फाइन, पहले तो इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिखता हूँ मैम, तो y टाइम्स x इज इक्वल टू y डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई लॉग y, एक सेकंड समझो बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, अब देखो यस x इज इक्वल टू मेरा क्या निकल रहा है कॉमन, y डी वाई बाई डी एक्स मेरा कॉमन निकल रहा है, इंटू क्या हो रहा है वो, वन प्लस टू
लॉग वाई बेटा, वाई कॉमन निकालता हमने, ठीक है यहाँ तक के एक बार के लिए। अब देखो, अब प्लीज़ ध्यान दो ना बच्चा लोग, प्लीज़ रादर इसके अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, एक संख्या मेरे को लॉग की ज़रूरत नहीं है ना, मैं यहाँ से लॉग की वैल्यू रादर निकालता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लॉग की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं पता बेटा, देखो एक बार देख ले, देखो ये x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है मेरा क्या, लॉग वाई। अब ये लॉग वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, फाइन। तब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लॉग वाई क्या है मेरा अभी, फाइन, एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स द होल ओवर टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स है मेरा। ये एक वाई से कट चुका है मेरा। देख मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा था, आई डिड नॉट नीड लॉग वाई, ठीक है, मैंने लॉग वाई की वैल्यू निकाल के ये यहाँ पे ये जो दिया हुआ था वहाँ पे लॉग वाई की वैल्यू डाली है। ये एक्स स्क्वायर इसी को टू वाई स्क्वायर लॉग वाई की जगह ये डाली है मैंने, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ, अमरत्य प्लीज़ उठ जा बेटा, प्लीज़ उठ जा। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ यस, ये को गाइस ये टू और टू भी कट रहा है मेरा, ठीक है। अब देखो उसका फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर, हाँ देखो वो डिनोमिनेटर का डी वाई बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड में ला चुका है, तो इट्स बिकमिंग एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर लाया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। आई होप यही मांगा था उसने, माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। संजय जी क्या हुई है? कुछ नहीं, हमने पहला डेरिवेटिव निकाला वहाँ से, क्योंकि मेरे को दिखा क्वेश्चन मुझे लॉग वाई की ज़रूरत नहीं थी, तो लॉग वाई की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में वापस डाल दी, तो हमारा सोल्यूशन सेट पर आ गया, ठीक है। नहीं बच्चा वो देखो शो, तू चाहेगा करेगा ना वो चीज़, तो भी आंसर आएगा, बट अभी जैसा करा रहा हूँ वैसे कर, क्योंकि देखो आगे समझ में आएगा। समझा जी क्या हुई है? हाँ अच्छा खासा है। अरे सुनो सुनो सुनो, वाई डू यू हैव अ हैबिट, तुमको एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट का तुम गिव अप क्यों कर देते हो यार? 25 हो गए, तुमको भी जो कराया है वो ट्राई तो करो यार। तुम जब पहली बार डिफ्रेंशिएशन करने बैठे थे तुम्हारे सर के ऊपर से गया था, तुम ट्राई तो करो यार, व्हाई आर यू गिविंग अप ऑलरेडी, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, थिंग्स विल गेट डिसेंट, तुम थोड़ा अटेम्प्ट तो करो यार। चलो फटाफट करो अभी, एग्जाम्पल नंबर टू प्लीज ट्राई करो बेटा। थोड़ा क्विकली करो बेटा प्लीज़ है। क्या बच्चा? बेटा ये इसको मैं जब डिफरेंशिएट, सॉरी ये क्या गया बेटा, यहाँ पे कुछ टू एक्स था ना, एक समझ क्या? अच्छा वो आपने टू कॉमन निकाल दिया क्या? हाँ देख ये यहाँ पे भी एक से ऊपर भी स्टेप है ना भाई, हाँ ये रही, ये वो स्टेप ये रही बेटा, हाँ ये पहली स्टेप तेरी। डी वाई बाई डी एक्स ने, सुन तू एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो ये हो जाता था, बट अगर वाई क्यूब को तू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो थ्री वाई स्क्वायर होगा, फिर एक डी वाई बाई डी एक्स आएगा तेरा। देख तेरा वाई क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो नहीं रहा था, तो तूने अपॉन ऊपर नीचे डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डी वाई आ गया नीचे वाला,
ऊपर वाला डी वाई और ये डी एक्स यहाँ पे रह गया। अब वाई क्यूब को तू वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो वो बन जाएगा क्या, थ्री वाई स्क्वायर और बचा हुआ डी वाई बाई डी एक्स एच। समझा गया? नहीं तो मेरे को बता, मेरे को बताता हूँ। एक समझा देख बच्चा, तेरा वाई क्यूब का तेरे को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना था, तूने इंटू डी वाई इंटू डी वाई किया। अब इसको तूने पेयर किया यानी डी वाई क्यूब ओवर डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हुआ। अब वाई क्यूब को वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे थ्री वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, वैसे होता है। यस केवल रमानी बोलिए। देख मैंने इसको लेफ्ट साइड में लेके गया, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो x माइनस y dy डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टू वाई लॉग y dy बाई डी एक्स। वहाँ फिर टू वाई और dy बाई डी एक्स को मैंने डिवाइड कर लिया, यहाँ पे आ गया ठीक है। एक्स तूने कुछ ज़्यादा बोला, बोल मेरे को फीलिंग सही नहीं आ रहा तेरे को इसका। मुझे लेफ्ट साइड में डालना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। अब लॉग वाई की जगह पे तुझे पूरा को पूरा ये डालना पड़ेगा बेटा, मुझे नहीं पता तूने क्या गलती किया है। जिन लोगों का एग्जाम्पल नंबर टू हो गया है दे कैन लीव, आपको होमवर्क में सिर्फ एक्सरसाइज वन है जो ओरली हो जाएगी, बट ओरली करके आना, उसे एक मार्क के एमसीक्यू में पूछते ही है एक्सरसाइज वन बेटा, वो जिससे उसको प्यार हो गया था। हाँ ठीक है, कल बेटा अपन इसके आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे, इससे अभी कुछ भी नहीं करना आपको। अगर हो तो एग्जाम्पल वन एंड टू एक बार ट्राई कर लेना, ट्रस्ट में आपको जम जाएगा, बट अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो। प्लस एक और चीज़, थोड़ा नीटली लिखो यार इस चीज़ को। मैं भी ना कल से यहाँ पे करने की जगह मैं व्हाइट बोर्ड पे ही करूँगा क्वेश्चन लिखने के बाद में, ठीक है। बट प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले एक्सरसाइज का करके आना और एग्जाम्पल वन और टू एक बार ट्राई करके आना, ठीक है सुधीर।